Hey guys and welcome back. It's been a while since I've done a jeans styling video for you all. So aaj main aapko kuch casual outfits dikhaungi wearing a jeans and a t-shirt. Tips bhi dungi ki aap kaise aise simple outfits ko elevate kar sakte hain. And most importantly, kuch aisi tops/shirts bhi dikhaungi jo irrespective of your body type aap pehen sakte hain aur aapko jeans mein conscious nahi comfortable feel hoga. So it's going to be a wholesome video. Brace yourself and let's get started. मैं स्टार्ट करूंगी एक ऐसे आउटफिट से जो मैं कुछ सालों पहले पहनती थी. सो हियर आई एम वेयरिंग अ मिड राइज स्किनी जीन्स विद अ सिंपल वाइट टी शर्ट. द आउटफिट इज इन बैड बट देर आर डेफिनेटली सम थिंग्स दैट कैन बी इम्प्रूव्ड. सबसे पहले जीन्स को बदला into a high-rise jeans. Automatically outfit ज़्यादा अच्छा लग रहा है. क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि अब मेरी body का curve highlight हो रहा है, which is making this outfit look a lot better. Plus इस jeans में मेरा थोड़ा सा पेट भी अंदर हो जाता है. हम लोगों का ऐसा lifestyle है, पूरे दिन laptop के आगे बैठे रहना पड़ता है. So it is quite normal to have a little bit of lower belly peeking out, जो high-waist jeans में अच्छे से अंदर हो जाती है. Now wait, outfit अभी पूरा नहीं हुआ है. आई एम गोइंग टू चेंज द टी शर्ट एज वेल. नाउ यू विल बी लाइक, प्रेरणा अब टी शर्ट में क्या प्रॉब्लम है? इट लुक्स फाइन टू मी. प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट ऑफ लेट आई हैव रियलाइज कि जब मैं टी शर्ट्स में एक साइज बड़ा पहनती हूँ वो ज़्यादा कूल लगती हैं. जैसे लेफ्ट में जो मैंने टी शर्ट पहनी है वो एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल साइज में है और राइट वाली टी शर्ट है मीडियम साइज में. आई फील राइट वाली ज़्यादा कूल और प्यारी लग रही है. व्हाट डू यू थिंक? सिमिलरली मैं आपको कुछ और ऑप्शंस दिखाना चाहती हूँ इन ओवरसाइज टी शर्ट्स. जैसे ये टी शर्ट मैंने मेन सेक्शन से ली थी एंड दिस इज इन मीडियम साइज, बट आई लाइक हाउ इट लुक्स ऑन मी. एंड देन ये दोनों टी शर्ट्स तो एक्चुअली लार्ज साइज में है और ये वैभव की है, बट मुझे अच्छी लग रही हैं, विच इज़ एक्चुअली आयरॉनिकल बिकॉज अगर 5-6 साल पहले मैंने ये टी शर्ट देखी होती तो मैं इसको प्रॉबेबली सलवार के साथ पहनती लाइक करीना कपूर. बट नाउ आई लाइक द जक्स्टपोजिशन सच ओवरसाइज टी शर्ट्स गिव अगेंस्ट अ स्किनी टाइट फिटेड जीन्स. नाउ एट दिस पॉइंट सम ऑफ यू मस्ट बी वंडरिंग, प्रेरणा इतनी बड़ी टी शर्ट टक इन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, एज इन पेट बर्गर लगता है. सो लेट मी गिव यू अ कपल ऑफ ऑप्शन कि आप ऐसी बड़ी टी शर्ट्स को कैसे टक कर सकते हैं अगर आप फुल टक नहीं करना चाहते. सो द फर्स्ट स्टाइल वुड बी अ साइड टक, जिसमें किसी भी साइड से थोड़ी सी टी शर्ट लो, टक इट इन साइड द जीन्स एंड लीव द अदर साइड ओपन, कैजुअल एंड लूज. इससे क्या होता है, एक साइड से आपकी बॉडी की शेप हाईलाइट हो जाती है, ऐसा नहीं लगता कि बॉडी ड्राउन आउट हो रही है, वाइल द अदर साइड इज सुपर कैजुअल एंड लूज. आप लेफ्ट पे भी कर सकते हो, आप राइट पे भी कर सकते हो, जो साइड आपको पसंद है वहां से टक इन कर सकते हो. और अगर आपको कोई भी साइड पसंद नहीं है तो आप सेंटर टक भी कर सकते हो, जिसमें आपको सेंटर से जहां पे जीन्स का बटन है थोड़ी सी टी शर्ट लेनी है, वहां से टक इन करना है. इसी में मैं आपको एक और वेरिएशन दिखाना चाहती हूँ जिसमें मैंने सेंटर से टी शर्ट को थोड़ा सा ऐसे मोड़ा और जीन्स के अंदर टक इन कर लिया. इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ लिटिल बिट मोर सिक्योर तो आप इसके ऊपर रबर बैंड भी बांध सकते हो और उसके बाद टक इन कर देना, ये भी उतना ही प्यारा और अच्छा लगता है. नाउ एट दिस पॉइंट सम ऑफ यू माइट बी वंडरिंग, प्रेरणा आप सारी राउंड नेक टी शर्ट्स दिखा रहे हो, कैन यू शो सम अदर डिज़ाइन? ऑफकोर्स आई हैव इट. सो नाउ आई विल बी शेयरिंग अ वी नेक डिज़ाइन. द गुड थिंग अबाउट सच डिज़ाइन is that irrespective of your body type, whether you have a fuller chest, you are a skinny body type, whatever your concern is, V-neck t-shirts sab pe achhi lagti hain. So this is a basic V-neck t-shirt with a skinny jeans outfit. Yahan pe maine loafers pehna hai aur ek colorful sa bag le liya to add some color to my outfit. Now let me show you a couple of options ki main aise simple outfits ko kaise accessorize karti hoon to make them a tad bit more interesting. So the first option would be wrap a scarf around your pony. बहुत प्यारा लगता है, बहुत क्यूट लगता है. दिस इज़ माई गो टू हेयर डू जब भी मैं जीन्स और टी शर्ट पहनती हूँ. इनफैक्ट मैंने स्कार्व्स पर पूरा एक प्रॉपर वीडियो करा था ऑन हाउ यू कैन स्टाइल स्कार्व्स विद योर आउटफिट्स, तो आप उसको रेफर कर सकते हो जस्ट इन केस इफ़ यू हैव मिस्ड. अनदर ऑप्शन वुड बी लेयरिंग गोल्ड प्लेटेड नेकलेसेस. आप लॉन्ग नेकलेस पहन सकते हो, आप गोल्ड हुप्स पहन सकते हो, या फिर आप इस तरीके का चेन नेकलेस भी पहन सकते हो. ये काफ़ी टाइम से ट्रेंड में है और अच्छा लगता है. लाइक फर्स्ट टाइम जब मैंने ये ट्रेंड ऑब्जर्व करा था, आई वॉज लाइक ये सब लोग सर्किट और मुन्ना भाई जैसे नेकलेसेस क्यों पहनकर घूम रहे हैं. बट देन आई ट्राइड दिस डिज़ाइन माई सेल्फ और मैंने साड़ी के साथ भी ट्राई करा हुआ है. मुझे लगा अच्छा एज ऐड कर रहा है टू लाइक
a traditional or a casual outfit. Now, before we move on to the next category, there is something very important that I'd like to highlight. That is, t-shirt ke niche kya pehne taki outfit seamless lage, clean lage, koi visible lines na ho. So, kuch time pehle maine ek video kara tha Uniqlo haul, wherein I reviewed some pieces from the brand Uniqlo. Uske comment section mein somebody had recommended ki aap Uniqlo ki bra try karo, you will love it. And thank you, girl, for your suggestion. Bless you. I tried this bra. It is like one of the best bras I have ever tried. Isko kisi ke niche bhi pehen sakte ho. Literally kisi bhi tarike ki top ke niche pehen sakte ho. And it looks very, very good. T-shirt ke niche pehno, jaise aap dekh sakte ho, bra par koi lace nahi hai, koi frill nahi hai. So it looks super seamless. Koi bhi line nahi dikhti. Agar off-shoulder top pehni hai, just remove its straps and it works like a strapless bra. Now let's switch these jeans, like skinny jeans se aage badhte hain. Let's wear something comfortable, something that is body positive. So first, I want to talk about these straight leg jeans. Straight leg jeans ka concept, main sach bataun, maine 2018 mein discover kara tha. Aur jab se maine ye discover kara hai, mere liye kind of लाइफ चेंजिंग रहा है. सो बचपन में जब मैं शॉपिंग करने जाती थी, बचपन भी नहीं, मैं टीनेज ईयर्स कहूँ, तो मैं सरोजिनी नगर जाती थी एंड आई वुड सी दीज मैनेक्विंस वेयरिंग स्किनी जीन्स. तो जब भी मैं ये सब देखती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे स्किनी जीन्स में अच्छा लगना है, पहले मुझे मैनेक्विन जैसे पैर पतले करने पड़ेंगे. गोज विदाउट अ सेइंग, काफ़ी अनकम्फर्टेबल एंड पेनफुल थे मेरे टीनेज ईयर्स, बट थैंक गॉड फॉर माई लेट ट्वेंटीज़ मैंने ये जीन्स डिस्कवर करी एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई कैन मूव माई लेग्स फ्री इन जीन्स. मुझे रिस्ट्रिक्टेड और कंस्ट्रिक्टेड, वट एवर यू वॉन्ट टू से, कुछ भी फील नहीं होता. सुपर कंफर्टेबल. सिमिलरली मेरे पास ऐसी एक ब्लैक जीन्स भी है जिसको मैंने स्टाइल करा विद दिस सुपर क्यूट कैप स्लीव्स टी शर्ट. कैप स्लीव्स एज इन जो भी स्लीव्स गारमेंट की बॉडी का पार्ट होती है, एज इन आर्म होल डिफाइंड नहीं होता, उसको कैप स्लीव्स कहते हैं. एंड कैप स्लीव्स आर अ ग्रेट वे इफ़ यू वॉन्ट टू सॉफ्ट इन द शोल्डर्स. लाइक इफ़ यू हैव ब्रॉड शोल्डर्स एंड यू वॉन्ट टू क्रिएट अ सॉफ्टर लुक, गो फॉर कैप स्लीव्स. जीन्स में एक और वेराइटी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. दीज आर द 90s फुल लेंथ जीन्स. They are a relatively new trend and all of the Anushkas and Alias of Bollywood are wearing these jeans. Main unko blame nahi karungi because they are super comfortable. Now I will be honest here, it took a while for me to get used to these jeans. Like jab maine pehli baar pehna, mujhe aisa laga ye kya hai itni badi badi aur dheeli si jeans, but jaise jaise maine inko aur pehna, I think there is no going back. Like I love these jeans a lot. Inko main kabhi kabhi crop top ke saath bhi pehen leti hoon and then I wear a blazer on top or a bomber jacket. Bahut zyada pyari aur achhi lagti hai. Isme ek ribbed version bhi aata hai aur ek like proper without ripping and full length version aata hai. So depending on your comfort zone, aap dono mein se koi bhi try kar sakte ho. It might get a while to get used to it, but once you get used to it, you're going to love it. Moving on to the last and my favorite portion of this video, that is styling jeans with a shirt, jacket, top in a manner that you don't feel constricted, you don't feel conscious, all you feel is confident wearing a jeans. So the first outfit I want to talk about is this oversized denim look. Kafi common hai, but it is such a classic look that never goes out of style. Sometimes I like to add a belt, kyunki jab bhi hum aise oversized jacket pehente hain, body ki shape kahin gum ho sakti hai. So it is always a good idea ki aap belt pehen lo, but agar belt nahi bhi pehenna chahte, tab bhi ye outfit utna hi acha lagega. Sometimes I also like to go with a longer jacket. So ये indigo jacket I think आप countless times मेरे videos में देख चुके हैं, but मैं क्या करूँ, ये सबके साथ चली जाती है. So initially मैंने ये outfit एक straight leg jeans के साथ style करा, but then I realized कि jacket में अपने आप में काफ़ी flare है, काफ़ी घेरा है, तो denim tapered पहननी पड़ेगी. Then I wore these denims और पूरा आउटफिट मुझे काफ़ी पसंद आया. लाइक दिस इज़ माई फेवरेट आउटफिट फ्रॉम दिस वीडियो. लॉन्ग नेकलेस ने तो और भी शान बढ़ा दी इस आउटफिट की. मेरे पास एक स्लीवलेस श्रग भी था जो मैंने पहना, बट ये आउटफिट मुझे लगा इम्प्रूव हो सकता है एक स्लीव्स वाली टॉप पहनकर, क्योंकि श्रग स्लीवलेस है तो स्लीव्स वाली टॉप ज़्यादा अच्छी लगती. Another way that I like to style my skinny jeans is with an oversized shirt. There are days when you don't want to wear something fitted, something tight. This is what I would wear on such a day. It is comfortable but looks stylish at the same time. Mere paas in fact badi funny anecdote hai aapke saath share karne ke liye. So when the shirt got delivered, maine isko try kara.
आई थॉट ये तो कंडक्टर शर्ट है. एज इन जब मैं स्कूल में थी मेरी स्कूल बस के कंडक्टर भैया ऐसी शर्ट पहनते थे. बट देन आई मैनेज टू स्टाइल इट. मैं आपको दिखाती हूँ. फर्स्ट व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने स्लीव्स को हल्का सा फोल्ड कर लिया. मैंने शर्ट को थोड़ा सा अनबटन छोड़ दिया, लाइक नीचे के 3-4 बटन्स आई लेफ्ट देम अनबटन. और फिर मैंने एक लॉन्ग सिल्वर नेकलेस पहना फिर पॉइंटेड हील के साथ. व्हेन आई फाइनली पुट दिस आउटफिट टुगेदर मुझे ऐसा लगा काफ़ी अच्छी लग रही है. लाइक इट डेफिनेटली नॉट लुक्स लाइक अ कंडक्टर शर्ट, मे बी इट लुक्स लाइक अ लैब कोट, वट एवर. आई लव इट. आई थिंक इट्स सुपर कम्फर्टेबल एंड नाइस टू वेयर. प्लस इफ यू हैव वाइड हिप्स थाइज यू आर एक्सपेक्टिंग और मे बी यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ बेली दैट इज़ योर कंसर्न एरिया, दिस आउटफिट लुक्स सुपर शीक एंड नाइस. Next, I'll show you a couple of tops which are especially perfect if you have a skinny body type and you want to add volume to it. So this top has a lot of ruching on it, sleeves bhi puffed hai aur badi badi hai. They add volume to the body, they make the body look larger. Similarly, ye bhi top bilkul aisi hi hai if you have very thin arms. I remember somebody had asked this to me in the comment section. Aap is tarike ki sleeves pehno, aapko confident aur acha feel hoga. Next, I want to talk about this lower. These are lemon colored jeans, but they totally feel like leggings. So there are days when you want to wear something jo technically aapki body type par suit nahi karega. Like I have a pear shaped body type and maine hamesha se ye padha hai aur maine feel kara hai ki lower part of the body mein dark colors pehno. But what if mera pehenne ka man hai in lemon pants ko? I like them. So what I would do is I would switch the top to something longer. इससे भी लॉन्ग करना चाहते हो तो वो कंडक्टर शर्ट है अपनी. वेयर दिस लैब कोट एंड यू कैन टोटली कैरी सच आउटफिट्स. आई फील लाइक वी एज वुमेन वी ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट आर सेल्व्स अलॉट. जिस दिन मैंने अपना दिमाग खोला, आई ट्राइड एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन, आई रियलाइज्ड कि मैं ऐसे ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रही थी. मैं काफ़ी सारी चीज़ें पहन सकती हूँ अगर मैं उनको स्ट्रेटेजिकली स्टाइल करूँ. जाने से पहले आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट शर्ट्स. शर्ट्स ऐसी चीज़ हैं जिन्हें ज़्यादातर फॉर्मल वेयर में एक हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि शर्ट्स मतलब फॉर्मल. बट यू कैन टोटली कैरी शर्ट्स फॉर अ कैजुअल आउटिंग एज वेल. इनफैक्ट सबसे ज़्यादा क्लासी और शीक लगती है. कभी कभी मैं इस तरीके का आउटफिट ऑफिस भी पहनकर जाती थी, जैसे फ्राइडे सैटरडे कैजुअल्स पहनते हैं. सो आई वुड वेयर दिस काइंड ऑफ अ शर्ट विद जीन्स और ऊपर मैं छोटा सा ब्रोच लगा लेती थी. ब्रोच से क्या होता था, हल्का सा आउटफिट फॉर्मल भी हो जाता था, बट इट स्टिल रिमेन्स कूल, स्टाइलिश एंड एक्चुअली वेरी प्रिटी एंड डिफरेंट. अगर आपको व्हाइट शर्ट से हटकर कुछ ट्राई करना है, यू कैन ट्राई दीज फंकी प्रिंट्स. यहाँ पे ये फ्लेयर्स है स्लीव्स पर, प्रिंट काफी फंकी है, कलर डिफरेंट है. दो टॉप मैं और दिखाना चाहती हूँ, आई प्रोमिस ये लास्ट है. सो ये टॉप उन दिनों के लिए है व्हेन आई एम फीलिंग ब्लोटेड. नहीं है मेरा मन कुछ टक करने का, आई वॉन्ट टू बी फ्री. इस तरीके की टॉप पहनो, क्लासी लगती हैं. यू कैन एक्चुअली कैरी देम ऑन अ डेट नाइट वाइल बींग ब्लोटेड. बिफोर आई गो देर इज़ अ मिलियन डॉलर एडवाइस दैट आई वॉन्ट टू लीव यू विद. सो ये एडवाइस मेरी मम्मी ने मुझे दी थी व्हेन आई वॉज अ टीनेजर. वो हमें पॉकेट मनी देती थी शॉपिंग करने के लिए. शी वुड ऑलवेज से कि जीन्स पर पैसे मत बचाना, जो पसंद आए जीन्स, जो तुम्हें अच्छी लगे उसको खरीद लेना. टॉप पर पैसे बचाना, 100 रुपये की टॉप खरीद लेना, 150 की खरीद लेना, जितने की ठीक लगे. बट जीन्स पे हमेशा इन्वेस्ट करना, क्योंकि अगर तुम रोज़ एक ही जीन्स पहनकर कॉलेज भी जाओगे ना, किसी को पता नहीं चलेगा अनलेस यू आर चेंजिंग द टॉप. बट तुम रोज सेम टॉप को पहनकर कॉलेज नहीं जा सकते. दिस वॉज अ लाइफ चेंजिंग एडवाइस फॉर मी एंड आई होप इट डज द सेम टू यू. ध्यान रखना. बाय.